ओके, इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी टेबल के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी है और आप उसको क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कमांड के थ्रू आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉप तब होगा, क्योंकि मैं जब इनिशियल में आपको पढ़ा रहा था कि प्राइमरी की को जब आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए कंस्ट्रेंट नेम देना जरूरी है। अगर आपका वो कंस्ट्रेंट नेम नहीं है, चाहे वो एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं फिर भी कंस्ट्रेंट नेम दें, और अगर आप मल्टीपल टेबल के कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी कंस्ट्रेंट का नाम देना जरूरी है, क्योंकि कल को अगर आप इसी को अल्टर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ड्रॉप करना चाहते हो, तो वो इजी हो जाता है। सही है। तो अभी हमने एक की बनाई, समझ लो टेबल बनाई थी, यहां पे आते हैं। ठीक, अभी एक टेबल बनाई थी पर्सन टू, और पर्सन टू के अंदर दो कॉलम थे, ठीक है, उन दोनों कॉलम को आपने क्या बनाया था, एक प्राइमरी की बनाया था जिसका नाम था पी के टेस्ट, यानी आपके कंस्ट्रेंट का नाम है, ठीक है। और आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पे भी दिख जाएगा, क्योंकि हमने एक टेबल बनाई थी जिसका नाम था टेबल, ठीक है, और उसका कंस्ट्रेंट नेम क्या रखा था, पी के टी बी एल। अगर मैं आपको यहां पे ये टेबल दिखाऊं जिसका नाम क्या है, टेब वन है, टेब वन, शायद ये यहां पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहीं पे फिर से क्रिएट करता हूं, देखिएगा एक टेबल क्रिएट हो चुकी। अब अगर मैं इसी टेब वन को यहां पे आके सिलेक्ट करके दिखाऊं, टेब वन, ये देखें बिल्कुल लास्ट में दिख रही है, मैं इसको डायग्राम के अंदर शो करता हूं और टेब वन के अंदर आप देखें क्या हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं यहां पे लाता हूं, देखें आपकी इस आईडी के कॉलम के ऊपर क्या बन चुका है, एक प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब अगर इसी प्राइमरी की को आप हटाना चाहते हैं, यानी आपको एक टेबल के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई होने के बाद नहीं चाहिए, तो उसको ड्रॉप कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप इसे करते हो तो उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर आप प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट नेम देना जरूरी है, वरना आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कर भी देते हो तो उसके लिए एक अलग से मेथड और अलग से तरीके होंगे। तो मैं अगर इसको ड्रॉप करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके जो हमारा सेंटेक्स था उसको फॉलो करते हैं। ये देखें, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ड्रॉप, क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप प्राइमरी की, और प्राइमरी की के बाद आप कंस्ट्रेंट का नाम देते हो, क्या देते हो कंस्ट्रेंट का नाम, जो आपका ये है, क्या नाम था, पी के टेबल, यानी ये आपका कंस्ट्रेंट था ना, यानी उस की के ऊपर जो नाम आपने दिया था उस नाम से आप क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉप कर सकते हो। यहां पे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि ये आपका एरर है, वेट फॉर अ वाइल। अच्छा, एक गलती थी हमारी कि हम जो आपके टेबल का नाम था वो टेब वन है, हम पर्सन दे रहे थे यहां पे, और दूसरा यहां पे प्राइमरी की लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप क्या लिख दें, जो आपके कंस्ट्रेंट का नाम। अब वो कंस्ट्रेंट आपका एक ही कॉलम पे एज अ प्राइमरी की अप्लाई हुआ है या मल्टीपल कॉलम्स पे एज अ प्राइमरी की अप्लाई हुआ है, तो आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, फिर ड्रॉप लिख के आपके जो टेबल का कंस्ट्रेंट है उसका नाम जो भी है उसको लिख के आप यहां पे आके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मैं यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, ये देखें, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी उसके ऊपर जो भी की थी वो हमने हटा दी, ठीक है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो किसी भी की को किसी के टैब किसी भी टेबल के कॉलम के ऊपर, ठीक है भाई।